कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। 45 प्लस के बाद देश में अब 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगवाने का काम शुरू हो चुका है, मगर 18 प्लस वालों को वैक्सीन की बुकिंग नहीं मिल पा रही है, जिससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया है। परासिया विधायक समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार का विरोध जताने थाने के समीप धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि 18 वर्ष के ऊपर वालों को समय पर वैक्सीन न लगने के कारण परिस्थितियां खराब हो रही हैं और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण युवाओं को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इन कमियों को सुधारा जाए और युवाओं को वैक्सीन लगाई जाए, इसके लिए पदाधिकारियों ने धरना दिया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संपूर्ण जिले में 18 प्लस वालों के वैक्सीन के लिए हम लोग ने 4 घंटे का यहाँ पर धरना दिया सांकेतिक रूप से, और धरना देने का मतलब ये था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया कि सब वैक्सीन लगाओ, युवाओं को बोला गया कि जाके सेंटरों में वैक्सीन लगाओ, और जब युवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको नहीं मिल पा रहा, वैक्सीन का कोई जगह नहीं मिल पा रही है। इसी तरीके से वैक्सीन सेंटर में युवा जा रहे हैं तो वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ये दूसरी वेव में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा युवा हुआ है, कई युवाओं के प्राण चले गए, कई परिवार उजड़ गए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से चिंतित नहीं है इस बात के लिए, ये बहुत गंभीर विषय है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।